नमस्कार। खबर को आसीबा प्रकाश पाई मैट्रिक परीक्षा फल टपर माने केमिति प्रस्तुति करथिले सफलतार मंत्र कौन से सांप्रतिक शिक्षा व्यवस्था को सेमाने केमिति देखुछंती बिना ट्यूशन रे 95% अधिक मार्क रखिबा संभव कि नुहे सीबीएसई पाठ्यक्रम सह प्रतियोगिता केते ठीक अवसर बेले सेमाने कौन करंती से नै करबा आज आलोचना। मैट्रिक परीक्षा फल सामने एवं जो रिजल्ट आसी रिजल्ट समस्त को खुशी आनी दे कहीं 90% ऊपर पिलामानंकर पास हार रही अंपटे केमिति प्रस्तुति से मानकर एथर जेहेतु 2 वर्ष कोरोना कटकणा रही है और कोरोना भितर पिलांकर स्टडी एवं पिलांकर ऑफलाइन स्टडी तो बंद होता सहित परीक्षा में कांटछांट कर 2 वर्ष पर जितेबाला से ऑफलाइन क्लासेस जाते परवर्त समय मैट्रिक परीक्षा को व्यवस्थित कर मंत्री सचिव माने पूर्व कहते कौन प्रकार त्रुटि जमी न हुए नजर रखा केमी सफल हेले सेमानकर इंस्पिरेशन किए एवं सेमाने सांप्रतिक शिक्षा व्यवस्था को केमी कौन देखुंट परवर्त समय जी मैट्रिक परीक्षा हुए से स्टडीज प्रक्रिया सह आगक जावाक चाहती कि ना बिना ट्यूशन रे 95% रु अधिक मार्क रखा संभव कि नुहे एवं सीबीएसई पाठ्यक्रम सह प्रतियोगिता केते ठीक अवसर बेले से कौन करती केते दिन से मानकर स्टडी केते घंटार रही थिला एवं सा भीतर सफलतार से श्रेय कहाँ को देबे से सबु नहीं आज आलोचना करिबा। तबे भुवनेश्वर यूनिट 8 सरस्वती शिशु विद्या मंदिर छात्र प्रत्युष दास रखिंट 596 नंबर और मोट 99.33% नंबर रखिंट प्रत्युष। तबे जदि देखिबा टिके सीरियली जो देखिबा वर्तमान टॉप 2 रे कहि परिबा प्रत्युष अछंती एवं 99.33% से नंबर रखिंट एवं परिश्रम पिलांकर जो माने सब टॉप लिस्ट रे अछंती समानकर परिश्रम केमिति कोन रहितिला समानकर प्रस्तुति केमिति कोन रहितिला सेमानकर प्रस्तुति कौन रही सांप्रतिक शिक्षा व्यवस्था को सेमाने केमिति कौन देखुछंती बिना ट्यूशन रे अधिक मार्क रखिबा पिला मानक पई किछि असुविधाजनक परिस्थिति सेमानको पूर्ववर्ती समय रे आनीथिला कि किबा सेमानको किछि मेंटल प्रेशर रहितिला कि नाही पारिवारिक स्तर रे समिति किछि चाप रहितिला कि नाही बापा मानक थारु एवं अन्य पटरे एनेक अधिक आलोचना करिबा। वर्तमान आम सहित भुवनेश्वर यूनिट 8 सरस्वती शिशु विद्या मंदिर छात्र प्रत्युष दास अछंती एवं अन्य पक्ष अछंती आ जने छात्री भाग्यश्री जेना उभयू स्वागत करुछ एवं उभयू कंग्राचुलेशन प्रथम कहवाक चाहिए प्रथम प्रत्युष आपको टी रिएक्शन नहीं जावा प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभेच्छा आप टॉप 2 रे वर्तमान अच्छा 99% ऊपर आप स्कोर कर आपणकर ये परिश्रमटा कौन किमिति रहितला टिके आम ऑडियंस को कहिबे कि एम प्रणाम प्रत्युष कुमार दास मोर 596 रहिछि त मो दिन को स्कूल बादे 3 रो 4 घंटा पखा ओखि परिश्रम करे एवं जेतेबेले आपण परिश्रम करंती परिवार लोकंकर सहयोग सेथिरे कौन किमिति रहिथाय निश्चित भाबरे कहबा गले जेतेबेले जो कोविड टाइम रे ऑनलाइन टीचिंग चलथला सेतेले बाबा मते मैथ आ साइंस पढोथले आ मामा भी पढोथले एमति के जेजेमा भी कहया गले सब शॉर्ट क्वेश्चन गुडा भी डिस्कशन करथले बही धर की पचारथले एवं मते आंसर कोथले जेतेबेले आपण स्टडी पड करंती काना 2 वर्ष आमे देखिछु पिला मानकर पढिबा टिके एपर से पठै जायथिला विशेष करी क्लासेस भी ऑफलाइन नथिला ता सहित गुरुजी गुरुमा को सह ऑनलाइन क्लासेस केमिति कोन सेमानकर थारु क्वेश्चन रा आंसर सब कलेक्ट करिवे से समयटा टिके अलगा प्रकार रथिला एबे जेतेबेले ऑफलाइन क्लासेस एवं ता परे परे आपण एग्जाम अपियर कले केमिति रहितला से पूरा सिचुएशन निश्चित भाबरे कहया गले आमे पूरा आमो बैच रे नवम श्रेणी पूरा करा जायथिला ऑनलाइन प्रोसेस रे तो दशम आरंभ रु ऑनलाइन करा जायथिला ता परे कहया गले बाखाखि अगस्त मास प्रथम रु ऑफलाइन करा गला एवं जेतेबेले फर्स्ट टर्म एग्जाम सरला सेतेबेले पुनथरे ओमिक्रॉन पई आउ मासे खंडे कहबा गले करा जायथिला पुनश्च ऑनलाइन तापर सरस्वती पूजा परे करा गला ऑफलाइन रे त कहबा गले आमे उभय ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दे ए वर्ष गति करचु भाग्यश्री आपण कटी रिएक्शन देबा को चाहिबो वर्तमान आपणकर कोन केमती प्रतिक्रिया हला जेतेबेले आपण प्रथमे रिजल्ट देखिले आपणक रिएक्शन एवं आपणक फॅमिली मेंबर्स क रिएक्शन भाग्यश्री मत शुणी पार्टी
ठीक अच्छे भाग्यश्री सह जोगाजोग करने को चेस्टा करुचु। वर्तमान प्रत्युष टी आप जानवाक चाहिए। प्रत्युष जितेबाला आम पिलांकर परिश्रम कथा कहूँ पिलांकर आम पूर्व रिएक्शन नहींचु बहुत गुड़े मैट्रिक परीक्षा फल बाहर 12 घंटा 14 घंटा 18 घंटा एमती सब स्टडी आर थाए आप समय परिश्रम करते मोर कह दिनक स्कूल बाद 3-4 घंटा 6 घंटा से पाखापाखि 3-4 घंटा पाखापाखि ओके तमाने आपण कहउछंती बेसी अधिका समय जो बढ़ेबाटा न करिकि निर्दिष्ट समय किंतु मन ध्यान दे पढ़िबा उपर आपण कंसंट्रेट करथिले आगे मैडम निहाति आ जने आम सहित अछंती छात्र अछंती ब्रह्मपुर रो शाश्वत। शाश्वत आपण को मध्य अजस्र शुभेच्छा आपण को रिजल्ट पई। प्रथमे आपण रिजल्ट देखिला परे केमिति आपण को फील हेथिला आपण को परिवार लोक माने कोन कहिथिले आपण को टीचर माने कोन कहिथिले से समय रे मोर रिजल्ट देखी मु बहुत खुश हेई थिली। मोर 99.16% आसी मु प्रथमे तो स्कूल रे मु रिजल्ट देखिली गुर्जर मैम बहुत खुश हेले बापा मामा मते बहुत खुश हेले एवं मोर आसनरूप फल आसी मु भाबुची। नियति आ आपनकर परिश्रम कोन केते रहितला ससुत स्कूल रे तो हमर 8-9 घंटा हमर क्लास रे ही होतला ता बाद 5-6 घंटा मु निजे सेल्फ स्टडी करथली। संस्कृति आम सहित अच्छा संस्कृति टी आप जानवु बर्तमान आपंकर कौन के रिएक्शन रही है घरे आपन को केमी फिल होता प्रथम कहले जो रिजल्ट कथ आप शुणिले घरे भी बहुत खुशी होती 578 नंबर आसला कि मैथमेटिक्स कमी गला से दुख लगुला आपणकर एक्सपेक्टेशन थी आशा थी ना से बाट पाइज बोली आप आशा थी 93-94% आसब से मैथमेटिक्स खराब अच्छे बोली किंतु एते आसब बोली आशा कर नथिले। अच्छा आपणकर केते समय थिला परिश्रम रो जो समय सीमा केते दिन को घंटा आपण परिश्रम करूथिले परिश्रम स्कूल 5-6 घंटा बाद दे मा 3-4 घंटा परिश्रम करूथिले से 5-6 घंटा बहुत हार्ड लेबर आपण को करिवा को पड़िथिबो एई पोजीशन रे पहुंचिबा पई आगा याती ससुत जेते बेले आपण को प्रथमे ए रिजल्ट मिलिथिला आपण को आशा थिला ए लेवल रे आपण पहुंचि जिवे किबा एति की आपण को रैंक रहिबो कोथिरे आपण को समिति किछि आशा अनुजाई आपण को फल मिलिनि बोली आपण को लागु छि की नाई मु प्रथम रु ही जानी मोर एस ए वन टा बहुत भल होता मो बापा माँ को आगुरी कही दी थी कि मोर 99% आसो तेणु मो आशानुरूप फल आते कौन मार्क कमी बोली मत किसी दुख ना मुझे जी चाहूली मो से मिली। अच्छा प्रत्युष आपण जितेबेले स्टडी करथिले आपण 6 घंटा बोली कहले 6 घंटा पाखा पाखी आपण स्टडी करंती आपण कोन केवल घरे पाठ पढंती ना ता सहित एक्स्ट्रा कोचिंग किंबा ट्यूशन सहित आपण अक्वेंटेड थिले कोचिंग सकाळो जाउथिले दिन को 2 घंटा 7-9 टा आ अन्य समय रे आपण घरे पाठ पढंती आज्ञा आ परिवार लोकंकर कोन केमती इफोर्ट रहितला आपणकर सेमिति एक्सपेक्टेशन थिला परिवार लोकंकर आपणक उपरु कि आपण पाइ जियो बोली निश्चित भाव रे कह गले जेतेबेले मोर भी से मेथड 1 रे ही हाईएस्ट मार्क आसी छे तो केवल मोर जो जेहेतु ऑब्जेक्टिव बेस रे करा जायतिला ओडिया संस्कृत रे फुल अछि एवं अन्य समस्त रे गोटिए मात्र माने गोटिए गोटिए भूल हे छे तो मो भी आशा करथिली जे सेतिकि रहिबो बोली। संस्कृति आपण कोन बिना ट्यूशन रे थिले ना ट्यूशन भी कंटिन्यू करथिले किबा कोचिंग कंटिन्यू करथिले स्टडी सा ना ट्यूशन मु से सकाळ बेले 7-9 जाउथली आउ ता सब समय घरे थली। आमे गोटे कथा सुनिछु संस्कृति कि कहंती भोर जो पाठटा पढंती सेटा मने रहे बोली आपण दिन भीतर जदि लिमिट करिवे ता सहित दिन सहित भोर उठी पाठ पढा को आपण स्ट्रेस दियंती मु भोर उठे पारे न मु से राते समय रे भी मु से राते समय रे पढी के जा मने रखे। ठीक अच्छे ससुत आपण कौन बाहर किसी ट्यूशन करूँ ना घरे ही आपण एक्टिविटी थिला स्टडी सह
ସ୍କୁଲ ର ଯୋଉ ଛଅ ସାତ ଘଣ୍ଟା ତା ବାଦେ ଆମର ସ୍କୁଲ ରେ ହିଁ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଗୁରୁଜୁଗୁରୁମା ହିଁ ଆମକୁ ପଢଉଥିଲେ କୋଚିଂ ସେଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଛଅଟା ଦୂର ସକାଳ ଛଅଟା ଦୂର ଆଠଟା ଡେଲି ଆମର ହଉଥିଲା ମୁଁ ବି ଭୋରରୁ ଠିକ ମାନେ ମୋର ସେଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା ଏଗାରଟାରୁ ପାଞ୍ଚଟା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ସେଡ୍ୟୁଲ ରେ ମୁଁ ଚାଲିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଆପଣ ସଫଳ ହେଲେ ସ୍ଲିପିଂ ଟାଇମ ଥିଲା ଏଗାରଟାରୁ ପାଞ୍ଚଟା ବିଲକୁଲ ସେଡ୍ୟୁଲ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ରାଙ୍କ ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସଫଳତାର ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ପଚରାଯିବ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ତା ପରଦିନ ହିଁ ସେଇ ବିଷୟକୁ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବି ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏବେ ଯେମିତି ଷ୍ଟଡି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏବେ ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ମାର୍କିଂର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା ସେ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଆପଣ କ'ଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥରକ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟତଃ ସିବିଏସ୍ଇ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରାଯାଉଛି ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି କରାଯାଉଛି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଅଛି ତାହାର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରିବ ଆଚ୍ଛା ଶାଶ୍ୱତ ଆପଣ ଟିକେ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଏ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରକୃତ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରୁଛି କି ୟାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ହୋଇପାରୁନି ମୋ ମତରେ କାରଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ପିଲା ଯଦି ଶହେ ରୁ ଶହେ ଆଣିଛି ତ ସିଏ ମାନେ ସେମିତି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହେଇଥିବାର ଅଛି ମାନେ ସିଏ କବିତା ଲେଖିପାରୁଥିବ ଯେକୌଣସି ଗଳ୍ପ ଲେଖିପାରୁଥିବ ସିଏ ତା ମାଇଣ୍ଡ ସେଠି ପରିପକ୍ୱ ହେଇଥିବାର ଅଛି ମାନେ ସାହିତ୍ୟରେ ଶହେ ରୁ ଶହେ ତ ମତେ ଲାଗୁନି ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କି ଆଣିଥିବ ତ ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସଂସ୍କୃତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏକମତ ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଥିରେ ଏକମତ କାହିଁକି ନା ସାହିତ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଭଳି ବିଷୟରେ ମାର୍କ ଉଠେଇବା ଯେଉଁଠି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେଇଠି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶହେ ରୁ ଶହେ ଅନେଶତ ଏମିତି ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆମ ମନରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସଂସ୍କୃତି ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ଯଦି ଆମେ ପଳେଇବା ଯେଉଁ 60% ମାର୍କ କଥା ଆମେ କହୁ ସେଇଟା ବହୁତ କମ୍ ପିଲାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଥର 57% ପିଲା 90%ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଟିକେ ଖଟକା ଲାଗୁନି ଖଟକା ବି ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ଏଥର ଦୁଇଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସବମିଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ଆଉ ସବମିଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 ତ ସେଇ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ମାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବେଶୀ ଏଥର ଯେଉଁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ହଁ ନିହାତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କଥା କହୁଛେ ପିଲାଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିୟର ଯେଉଁ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ରହିଛି ତାର ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଥାଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କେହି କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତିନି କିମ୍ବା ପ୍ରେସର ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସର କେହି ଦିଅନ୍ତିନି ପରିବାର ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିଲା ତିନୋଟି ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏଫ୍ଏ ଦେନ୍ ଏସ୍ଏ 1 ଏସ୍ଏ 2 କେବଳ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇକି ହିଁ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା ନଚେତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାପ ନଥିଲା ତାମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିୟର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ବାପା ମା ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଶାଶ୍ୱତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରେସର କି ତାଙ୍କ ପିଲା ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବ ମୋ ଛୁଆ କାହିଁ ଏତେ ବାଟ ମାର୍କ ନ ରଖି ପାରିଲା ସେମିତି କିଛି ପ୍ରେସର ଥିଲା କି ନାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରେସର ନଥିଲା ମତେ ବାପା ମା ନର୍ମାଲ ମାନେ ମୁଁ ବି ଘରେ ପଢୁଥିଲି ବାପା ମା କିଛି ପ୍ରେସର ଦଉନଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଯେମିତି କହିଲେ ଇଭାଲୁଏସନ ପ୍ରୋସେସ ସେଥିରେ ହିଁ ମୋର ଟିକେ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଯାହା ଦୂର ହେଇଗଲା ଏବେ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଯେମିତି ଆମର ମାର୍କିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲା କିମ୍ବା ଷ୍ଟଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲା ୟାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି ଶାଶ୍ୱତ ଏଥିରେ ଖାଲି ମାର୍କ ଆସେ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପାର୍ଟ ରହୁଛି ଯେଉଁଟା କି ଏବେ ମିସିଂ ରହୁଛି ତ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ମାର୍କକୁ ନେଇକି ରାଙ୍କ ବାହାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମାନେ ଅଲଗା କିଛି ପ୍ରୋସେସ ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ସଂସ୍କୃତି ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଏକମତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପରିଚାଳନା କଲା ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କଲା ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି
ना ना कहीं ना सब्जेक्टिव पार्ट जन पिला जदे सब्जेक्टिव पार्ट को बहुत भलो भाबरे लिखि पार्थबो ताले तार भी सेते किछ टैलेंट थेबो बोली जाना पड़िबो किंतु एथरो आमो बेले सब्जेक्टिव पार्ट को बेसी ध्यान दिए जायने बेसी एमसीक्यू को बेसी ध्यान दिया हिले अच्छा सब्जेक्टिव पिला माने परीक्षा देले किंतु तार कोनोसी वैल्यू रहिला नाही संस्कृति पिला मानकर बेसी ऑब्जेक्टिव रो से माने मार्क फेच करछंती इंटरनल असेसमेंट आधार रे तो तार किछि वैल्यू आमे परवर्ती समय रे देखिबा कि तार किछि फल आमको परवर्ती समय नजर को आसीबो कि फल तो आसीबो भी माने ऑब्जेक्टिव पार्ट रे से माने सब बहुत अधिक रखछंती एमसीक्यू रे किंतु या आग वर्ष माने कोविड आग वर्ष जमते बिना एमसीक्यू वाला शॉर्ट क्वेश्चन दउतले तो सेठी पिला माने इनकर असली टैलेंटा जणा पडथला जोठु के एथरा एथरा टिके से स्ट्रक्चर रे जो भिन्नता आनी अणा जाई छै सेथरो जणा पडु नाही बोली आपण कहउछन्ती ठीक रे पिला माने केते दूर विज्ञ अछन्ती किबा केते दूर से विषय सहित अवगत अछन्ती प्रत्युष आपण मध्ये कोन एथरे एकमत केवल ऑब्जेक्टिव को ही फोकस कर ओडिया और इंग्लीश कह गले रचना कि जो एप्लीकेशन कि लॉन्ग क्वेश्चन या बेसी फोकस कर केवल जो मान मेथड टू रे मार्किंग से ही सब्जेक्टिव को ऐड कर मेथड थ्री रे भी जो मान एसे टू रे जो 50% वेटेज नि जाइछि तो से केवल सब्जेक्टिव को फोकस कर मेथड वन ही ताहले तो सब्जेक्टिव जो माने करी माने करी छंती से किछि तार वैल्यू रहिलानी से मानकर जो बुद्धिटा किबा ताकर ज्ञान केते कोन अछि जोटा सब्जेक्टिव मार्किंग रो आमे जानी परथौ नॉर्मली टीचर बथे जानी परथंती बो पिला माने बथे जानी परछंती से केते लेखि पारु छंती किबा को विषय रे केते जानी छंती एतरु तो किछि क्लियर जणा पडलानी निश्चित भाबरे कह गेले केपल ऑब्जेक्टिव करा जाय छै कारण सब्जेक्टिव करा जायथिले सेथिरे एते अधिक मार्क जो 99% कि 98% एते केबे आसी न थन हाईएस्ट ससुत वर्तमान जदि आपण आपण को हिसाब रे कहंतु आपण भी ट्यूशन करूथिले ता पूर्व क्षमा करबे कोचिंग करूथिले आपण स्कूल रे कोचिंग करूथिले ता सहित स्कूल रे आपण कर स्टडी आर थिला आ टीचर मानक सह मध्य कंसल्ट करूथिले गुरुजी गुरुमान को सह किंतु गोटे पिला जदि बिना ट्यूशन रे मार्क फेच करबा को चाहिबो 95% उपरे रखिबा कष्ट हबो ना सहज हबो किछि नै माने मो कहिबारे सेल्फ स्टडी ही सब बेस्ट ट्यूशन आ ताटु भल ट्यूशन किछि नै गोटे निजे गोटे पिला निजे चाहिले निश्चय भावे 95% निश्चय रखि पारे कोनो से असुविधा हबो नै मो मतरे एवं टीचर को टिके गाइडेंस देले आउरी भल कथा संस्कृति आपण केते दूर एकमत पिलाटे चाहिले बिना ट्यूशन रे हाईएस्ट मार्क रखि पारिबो किबा से टॉप रो लिस्ट को जाई पारिबो कि अज्ञा जाय परबो कहिके ना निजे जो सेल्फ स्टडी टा ही तापे बेसी काम देता है और टीचर माने जस्ता को टिके गाइडेंस दियंती जा दरे कि से आउ टिके आगु को जीवा को सुजोग पाए नियति मैं एनी के अधिक बथे आलोचना करिबा किंतु ता पूर्व गोटे छोटो ब्रेक नै जीवा ब्रेक परे खूब शीघ्र फेरिबा आलोचना को बिरतिपुर स्वागत आज आम सहित टपर माने उपस्थित अच्छा और जो माने शेयर करुछंती से मानकर पूरा जर्नी स्टडी जर्नी कौन केमती रही थिला केमती एई लेवल रे से माने पहुंचिले एवं से माने वर्तमान रो जो शिक्षा व्यवस्था अच्छी पद्धति अच्छी परीक्षार प्रक्रिया अच्छी ताकू केमती ग्रहण करुछंती प्रत्युष बिना ट्यूशन रे आपण तो कहिले बिना ट्यूशन रे कौन केमती पिला माने स्टडी करबा कथा दरकार किबा परिवार रो केमती कौन सपोर्ट रहे सीबीएसई पाठ्यक्रम सह प्रतियोगिता आम वर्तमान नजर को आसुचे सब कथार आम कंपिटिशन मोड को आसी जाऊे इंग्लीश स्टडीज सह कि सीबीएसई पाठ्यक्रम सह एटा ठीक लगुच मानकरे एनसीईआरटी बुक को फॉलो करा जाए जहाँ कि अत्यंत उपादेय है छात्र छात्री निम्ते छाड़ा दशम जाए आमर ओडिया रे अच्छे समस्त पाठ जमीक गणित विज्ञान ओडिया रे मात्र प्लस टू को गला बेलू इंग्लीश रे पढ़ा जा तो कह गले आमर जो स्टेट गवर्नमेंट रही गुड़ाक मैथ और साइंस सब इंग्लीश टर्म गुड़ा दे तो सेगुड़ी जदि छात्र छात्री मैंने मन रखिपारे जुक्त दुई पढ़िया निम्ते बेस किसी असुविधा सम्मुखीन होगा पड़े ससुत टी आसवा जदि आपर पर्सनल लाइफ को आप सब तो स्टडी करूँ आपण अवसर आप गैप टाइम कौन करती ना स्टडी रिलेटेड आक्टिविटी ही निजक रखती
ନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତ କେବେ କରେନି, ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ବି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିନି। ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଯେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରେ ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ କରୁଥିଲି। ଲିଜର୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏମିତି ଟିଭି ଦେଖିବା, ନର୍ମାଲ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ପେପର କେତେଟା ସଲ୍ଭ କରୁଥିଲି, ଏମିତି ହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ? ମୁଁ IIT ରେ ଆଡମିସନ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସଂସ୍କୃତି, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଗୋଟେ ଅଛି କାହାବତ, ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ କହନ୍ତି କି ନୋ ୱାର୍କ ନୋ ପ୍ଲେ ମେକ୍ସ ଜ୍ୟାକ୍ ଏ ଡଲ୍ ବୟ। ଆପଣ ସେ କାଟାଗୋରିରେ ଆସୁଛନ୍ତି କି? ନା, ମୁଁ ବି ସେତେ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଖାଲି ଯେତିକି ସମୟ ପଢୁଥିଲି ମନ ଦେଇକି ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ସଂସ୍କୃତି? ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ଟିକେ ନେବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ହାଇକ୍ କଥା କହୁଛେ କିମ୍ବା ରେଜଲ୍ଟ ଏତେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟୋରୀ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ହୁଏତ ପ୍ରଶ୍ନ ଜେନୁଇନ୍ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମତ ଟିକେ ନେବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ନମ୍ବର ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ? କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଥରକ ପ୍ରାୟତଃ CBSE ମେଥଡ଼ରେ ହିଁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଥିପାଇଁ ଏଥରକ ଯେଉଁ ମାର୍କ ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନ୍? ମୋର ମେଡ଼ିକାଲ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶାଶ୍ୱତ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଚର ଡ୍ରିମ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଆସୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଏତେ ସମୟ ଆଲୋଚନା ରହିଲେ।